कांग्रेस इन दिनों अपने अंदरूनी संकट से जूझ रही है। एक तरफ राजस्थान में सचिन पायलट सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी टीएस सिंहदेव और सीएम भूपेश बघेल के बीच तानातनी जारी है। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा उनके लिए लोगों की सेवा करने का एक मार्ग रही है। टीएस सिंहदेव की यह टिप्पणी एक कथित ऑडियो क्लिप के वायरल होने के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें वह आंदोलन कर रहे हैं। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को फोन पर कह रहे थे कि वह खुद हाशिए पर है और उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने एक टीवी चैनल को अपनी टिप्पणी के एक ऑडियो को टैग करते हुए कहा कि अगर उन्हें प्रधानमंत्री पद की पेशकश की जाती है तो भी वह कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे। सिंहदेव ने ट्विटर पर कहा, मैं कांग्रेस को व्यापार या व्यापार के एक तरीके के रूप में नहीं देखता। पार्टी हमेशा मेरे लिए लोगों की सेवा करने का मार्ग रही है। सच्चाई और सेवा का मार्ग कभी भी किसी के लिए आसान नहीं रहा, यह बाधाओं और कठिनाइयों से भरा है। सिंहदेव ने कहा, फिर भी मैं किसी भी तरह इस रास्ते को नहीं छोड़ूंगा जहां आप अपने मूल्य को खो देते हैं। मैं इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता हूं। वहीं कुछ दिन पहले टीएस सिंहदेव ने कहा कि हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है और अगर उन्हें मौका मिला तो वो भी सीएम बनेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मेरा चेहरा भी सीएम पद के लिए था, मौका मिला तो मैं भी सीएम बनूंगा और जनता के लिए काम करूंगा। हालांकि प्रधानमंत्री के चेहरे पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पीएम के चेहरे के लिए चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि किसी पार्टी की राष्ट्रीय स्तरीय पर अधिक उपस्थिति है। बता दें कि सरकार के कार्यकाल की शुरुआत से ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ उनका नेतृत्व को लेकर संघर्ष चल रहा है। वह कथित तौर पर उत्सुक थे कि उन्हें कथित तौर पर वादे के अनुसार सीएम बनाया जाए। छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। सिंहदेव ने यह भी कहा कि कांग्रेस में अधिकांश कार्यकर्ता और नेता पार्टी और उसकी मूल्यों के प्रति वफादार है। उन्होंने कहा, अगर कुछ लोगों ने हाल के दिनों में हार मान ली है तो इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी के अन्य सदस्य समान रूप से अवसरवादी हैं। कांग्रेस महासचिव संचार जयराम रमेश ने ट्विटर पर सिंहदेव की टिप्पणी की सराहना की और सिंहदेव के ट्वीट को रीट्वीट किया। छत्तीसगढ़ के मंत्री की टिप्पणी राजस्थान कांग्रेस में बड़े तनाव के बीच आई है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट के साथ नेतृत्व की लड़ाई में लगे हुए हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।